बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने ये पट्टी लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 1.5 और 1 इंच से थोड़ी कम हमने इसके ऊपर जो है वो पट्टी जो है बुकरम की पेस्ट करनी है। फ्यूज़ पेपर लिया है मैंने, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता वो, बहुत ज़रा थोड़ा लूज़ होता है। तो अच्छा जी, ये देखिए 4.5 इंच हमने नेक की जो है वो लंबाई डीप ली है और 6 इंच इसकी विड्थ ली है। आप अगर अपना बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी जो है लेंथ और विड्थ को। ये मैंने तकरीबन जो है 12 से 13 साल तक की बच्ची के जो है नेक की कटिंग की है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमने मिरर्स लिए हैं, आपको इसी तरह से बाज़ार से मिल जाएंगे, तो आप घर पे भी ये बना सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरह से ये बने हुए बाज़ार से मिल जाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने जो नेक की कटिंग की थी डीप, हमने 4.5 इंच लिया था, ठीक है। ये देखिए 4.5 इंच हमने डीप लिया था। अब हमने नेक का साइज़ शर्ट से रखना है 4 इंच तकरीबन, ठीक है। 4 इंच से हमने आधा इंच सिलाई का जो जाएगा वो हमने तकरीबन 4 इंच से भी ऊपर 3.5 इंच पे रख के हमने ये पट्टी लगाना स्टार्ट करनी, जो हमने बिल्कुल सेंटर की जो क्रीज बिठा के शर्ट के ऊपर हमने ये पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर हम मिरर्स लगाएंगे तो वो वाजिया नज़र आएंगे, ठीक है। अगर हम प्रिंट कपड़े के ऊपर मिरर्स लगाएंगे तो वाजिया नज़र नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये देख लें, हमने इस तरह से पट्टी जो है वो लगा लेनी है। आप अपनी जो है साइज़ के हिसाब से भी लेंथ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके कॉर्नर बनाना है इसका, ठीक है। आप जो है नीचे से वो है चकोर भी लगा सकते हैं, मैंने इस तरह से कॉर्नर बनाया वी शेप में। तो इस तरह से हमने जो है पट्टी को सिलाई लगा लेनी है ऊपर रख के, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये पट्टी अगर हम पहले बुकरम पेस्ट करके साइडों से इसको जो है वो अच्छे से प्रेस करके फोल्डिंग कर ले तो फिर बाद में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती ये पट्टी लगाते हुए, ठीक है। फोल्डिंग अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी जो है वो अटैच हो जाती है। अच्छा जी, हमने शर्ट की जो है सेंटर की क्रीज बिठा के ये पट्टी सेंटर में लगा ली, इसके ऊपर जब हम मिरर्स लगाएंगे तो वो वाजिया नज़र आएंगे, ठीक है। प्रिंट कपड़े के ऊपर हमारे मिरर्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो ऑल ओवर में हमारा ये ड्रेस है, ठीक है। सेम शलवार है इसकी, ट्राउज़र सेम है और सेम ही शर्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने जो नेक की कटिंग की है ये हमने बाहर की साइड पे जो है उल्टाना है इसे, ठीक है। नीचे की साइड पे रख के पहले मैं इसकी जो है वो सेंटर की सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारा जो है गला वो आगे पीछे ना हो। बिल्कुल अपनी जो है वो जगह पे रख के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। सेंटर की क्रीज हमने नेक इसकी भी बिठाई है, गले की और शर्ट की भी बैठा ली है, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा नेक जो है बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से अब बुकरम के साथ साथ रख के जो है किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इस तरह से हमने फिर सिलाई का हमने छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है, आधा दिन छोड़ के अंदर, ठीक है, फोल्डिंग का। तो जिस तरह से रेगुलर नेक तैयार करते हैं उसी तरह से हमने ये नेक तैयार करना है। तो ये हमने बाहर की साइड पे, अच्छा ये जो है ऑल ओवर में मैंने जैसे कि बताया सेम ट्राउज़र और शर्ट थी, उसमें से बच गया था जो फैब्रिक बड़े सूट में से, तो उसमें से मैंने ये शर्ट तैयार की है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने ये प्लेन ट्राउज़र लिया, और प्लेन ट्राउज़र जो मैंने ग्रीन कलर का लिया है, तो ग्रीन कलर मैंने पिंक और ग्रीन शर्ट में कलर, उसी कलर प्लेन कपड़ा लेके मैंने इसके नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अच्छा जी, ये देखिए मैंने ट्राउज़र का पीस लिया था ये ग्रीन कलर का। तो इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, हमने ऊपर जो है ये पिंक कलर की जो है वो नलकी ली थी पट्टी लगाने के लिए, उसी पिंक कलर से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल हमने किनारे किनारे के साथ सिलाई लगा लेनी है, और थोड़े थोड़े फासले पे हमने पैर से थोड़ा कम फासला छोड़ के हमने पूरे नेक के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिलाइयाँ ना लगाएँ, स्किप कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगा लेनी है अपने पूरे गले के ऊपर। और ये ट्रायंगल्स जो हैं मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई है और 1.5 इंच इसकी लंबाई है, तो इस तरह से हमने इसके जो है वो ट्रायंगल्स बना के इस नीचे यहाँ पे दबा के नेक के नीचे तो सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पूरे गले में जो है हमने ट्रायंगल्स फिक्स करने हैं राउंड शेप में। इस तरह से हमने अच्छे से नीचे जो है बिठा के दबा के सिलाई लगा ली, ताकि इसके कॉर्नर वगैरह निकले नहीं। बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने ये जो है ट्रायंगल्स फिक्स करने हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी नेकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसकी बिल्कुल भी ना किया करें। तो ये हमने जो है ट्रायंगल्स अपने पूरे नेक के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेने हैं, ठीक है। तो आप अगर ये चाहे एक ट्रायंगल और एक लूप्स बना के भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं जो है जस्ट ट्रायंगल्स ही यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने अपने नेक की जो है वो डिज़ाइनिंग कम्प्लीट करनी है और बाद में हमने जो है इसके ऊपर पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से अपने पूरे नेक के ऊपर जो है वो ट्रायंगल्स को जो है वो फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, तो हम पूरे नेक के ऊपर ट्रायंगल्स को फिक्स कर लिया है। अब हमने जो है आप इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सिलाइयाँ लगाना चाहें वो भी अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैंने सिल्क का थ्रेड यूज़ नहीं किया, अगर आप सिल्क के थ्रेड के साथ ये सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छी जो है लगेंगी। तो मैंने सिंपल जो है रेगुलर थ्रेड यूज़ किया जो सिलाई में यूज़ होती है नल की, वही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब हमने क्या करना, हम साइड के ऊपर हमने जो है वो क्रीज बिठा लेनी है साइडों की, और इस तरह से हमने नीचे से वी शेप में जो है वो एक जो है लाइन ड्रा करके, तो इस तरह से हमने आप प्रेस करके भी क्रीज बिठा सकते हैं, इस तरह से भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस क्रीज के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमें जो है पता चल जाए कि हमने पट्टी किस तरह से लगानी है, किस शेप में लगानी है, ठीक है। आप स्क्वायर शेप में भी नीचे से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पट्टी को ऊपर रख के जो है वो लगा लेना है। यहाँ से हमने कॉर्नर बनानी है बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अगर आप स्क्वायर शेप में भी नीचे से बनाएं तो भी आपने कॉर्नर जो है उसकी जो है वो फोल्डिंग करनी है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ करनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से कॉर्नर बना लेना है, वी शेप हमने नीचे से बनानी है। तो इस तरह से आप डिज़ाइनिंग प्लेन कपड़ों के ऊपर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और ये जैसा कि ऑल ओवर में डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर भी आप इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो पहनने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम नीचे से भी इस तरह अच्छा सा जो है वो कॉर्नर बना लेंगे, देखें। तो अगर आप चाहें तो पहले इसको जो है प्रेस करते वक्त भी अच्छे से क्रीज बिठा सकते हैं ताकि बाद में आपको फोल्डिंग ना करनी पड़े, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से भी क्रीज बिठा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पट्टी के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा के अपनी जो है वो नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है, और बाद में हमने इसी पट्टी के ऊपर जो है मिरर्स लगाने हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी नेक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएँ कि आपको मेरी नेक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ठीक है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा के ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हमारी अंदर की सिलाई रह जाएगी, अब हमने अंदर वाली साइड पे जो है सिलाई लगानी है वो जल्दी लग जाएगी, क्योंकि अब कॉर्नर की फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो हमने जो है कर ली और कॉर्नर के ऊपर सिलाई भी लगा ली है। अच्छा, आप इसके नीचे जो है ज़ीरो साइज में शटल लेस होती है वो भी इसके नीचे दबा के जो है वो लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है लगी हुई, ठीक है। जैसे कि लॉन का ये ड्रेस है तो इसके ऊपर ज़्यादा लेसेस वगैरह मैं नहीं लगाती, ठीक है। पट्टी के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। फैब्रिक पट्टी से आप डिज़ाइनिंग करके बहुत अच्छी नेक बना सकते हैं, दावन पे स्लीव्स पे भी आप इस तरह से डिज़ाइनिंग डिफरेंट हो जाती है तो कर सकते हैं। आप इसी तरह से ये सिंपल पट्टी प्लेन लगा के दामन के ऊपर भी ऊपर मिरर्स लगाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से पट्टी के ऊपर हमने मिरर्स रख के लगा लेने हैं। आपको मैं फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ लगाने के बाद। सुई के साथ ही हमने ये लगाने हैं, तो सुई के साथ बहुत आसानी से लगते हैं। मज़ीद आसानी से लगाने के लिए आप इसे गम स्टिक के साथ पहले फिक्स कर लें और फिर और भी आसानी से लग जाएंगे। ये फाइनल लुक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।